ब्रेकअप हर किसी के लिए एक दुखी स्थिति होती है। ब्रेकअप लोगों को निराश कर देता है और थका देता है। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे ही रिलेशनशिप से बाहर आईं, उन्होंने अपने में बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया। ग्लैमर इंडस्ट्री में तो कई अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पति से तलाक लेने के बाद फिल्म जगत में एंट्री ली। कुछ अभिनेत्रियों ने फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद तलाक ली है। कई अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जिनके तलाक के बाद भी उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा और आज भी वो फिल्म जगत में टिकी हुई हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का रिलेशन और फिर ब्रेकअप दोनों ही खूब सुर्खियों में रहे। दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। इस शो से ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और तकरीबन 7 साल तक दोनों साथ रहे। इस दौरान दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। दोनों की शादी की भी खबरें सामने आई थीं, लेकिन सुशांत की फिल्मों में आने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। सुशांत से अलग होने के बाद अंकिता ने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया था। टीवी की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार जेनिफर विंगेट को हम कई धारावाहिकों में देख चुके हैं। जेनिफर को सबसे ज्यादा चर्चा दिल मिल गए शो से मिली। एक्टर करण सिंह ग्रोवर भी इस शो का हिस्सा थे। यहीं से जेनिफर और करण की प्रेम कहानी शुरू हुई और साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी और नवंबर 2014 में इन दोनों का तलाक हो गया। इस इंडस्ट्री में ब्रेकअप अब आम बात हो गई है, इसलिए लोगों को पुराने लाइफस्टाइल में वापस आ जाते हैं। जेनिफर भी करण के साथ में अपना रिश्ता टूटने के बाद पहले से और भी ज्यादा निखर गईं। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने पिछले साल कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था। पति नंदिश संधू से तलाक के बाद रश्मि देसाई और ज्यादा बोल्ड और खूबसूरत दिखने लगी। एक इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने अपनी शादी और नंदिश संधू से तलाक लेने के बाद की जिंदगी को लेकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं जब उस प्रक्रिया में थी तो वो पल मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण था। मैं इससे निपट नहीं पा रही थी, इसलिए मैं खुद को ऐसा बना रही थी जो वाकई में मैं नहीं थी। कुलवधू फेम टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने तलाक के बाद गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दलजीत टीवी सीरियल्स के अलावा अपनी फोटोज को लेकर भी काफी पॉपुलर रहती हैं। दलजीत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आए दिन अपनी फिटनेस से लोगों को सरप्राइज करती रहती हैं। उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल है, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। आशिका गुराडिया टीवी की जानी मानी और चर्चित अभिनेत्री हैं। वो अपनी अदाकारी से फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। अक्सर वो फोटो और वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहती हैं। आशिका ने लागी तुमसे लगन और कुसुम जैसे हिट सीरियल्स में बेहतरीन काम किया है। अलगाव के बाद आशिका अब पहले से ज्यादा बोल्ड और हॉट हो गई हैं। मेघा गुप्ता अपनी खूबसूरती के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। उनकी 2 बार शादी हो चुकी है और दोनों बार ही उनका तलाक हो गया। दूसरे पति सिद्धार्थ कार्निक से अलग होने के बाद मेघा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। टॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद पति से अलग होने के बाद अक्सर अपना फिगर प्लांट करते हुए नजर आती हैं। साल 2002 में फिल्म मकड़ी से लोगों के दिलों पर राज करने वाली श्वेता बासु प्रसाद अब काफी बदल गई हैं। मकड़ी की चुन्नी अब स्मार्ट के साथ साथ बोल्ड भी हो गई है। उनकी लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि आप भी नजर नहीं हटा पाएंगे। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हमेशा ही दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। वो जब भी पर्दे पर आती हैं, लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में एक्ट्रेस कई यंग एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ती हैं। पति से अलग होते समय उन्होंने पति पर कई आरोप लगाए थे। कुछ साल पहले पति विवियन डिसेना संग तलाक और घरेलू हिंसा को लेकर चर्चा में रही एक्ट्रेस बहाविज दुराबजी अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं। पति से अलग होने के बाद बहाविज अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।